हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे जो 1.0 अपडेट का उसका साइज क्या होगा। उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे जो यहां पे पबजी मोबाइल है क्या वो पबजी पीसी की स्टोरी को फॉलो करेगा, और अगर यहां पे नहीं करेगा तो एक्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है कि उसने जो फॉलो है वो स्टोरी नहीं की है। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो अपडेट के साइज से। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो एरेंगल 2.0 है वो यहाँ पे पबजी मोबाइल ने अपनी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तो उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से अनाउंस कर दिया कि जो न्यू एरेंगल इनकमिंग न्यू एरेंगल अराइव्स ऑन यहाँ पे 8 सितंबर। तो नीचे आपको इसके एक इमेज देखने को मिल जाएगी। तो इमेज में आपको बेसिकली जो पोचिंकी हो गया और हमारा जो मिल्टा पावर हो गया तो वो देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से कंबाइन किया हुआ, तो इसलिए आपको कुछ टावर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे पोचिंकी में भी। तो ये एक इमेज थी। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट साइड बेसिकली अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो PUBG Mobile का अपडेट आपको 1.0 का सितंबर 8 को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज होगा तो वो अब तक एक्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो हमें सिर्फ अपडेट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि जो अपडेट का साइज हो सकता है वो होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से आप देख सकते हो जो अपडेट में हमें एरेंगल 2.0 देखने को मिलने वाला है जिसका बीटा में साइज है 275 MB है। उसके बाद यहाँ पे बाकी का आप देख सकते हो जो हमारी गेम में ओवरऑल यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है वो चेंज होने वाला है। तो उनके जो बैकग्राउंड्स हैं बटन्स हो गए तो उनकी भी काफी सारी जो इमेजेस हैं वो PUBG Mobile को चेंज करनी पड़ेगी गेम में। तो यहाँ पे उनको काफी सारा मेरे ख्याल से काफी बड़ा एक अपडेट डालना पड़ेगा गेम में, उसको फिर से यहाँ पे जो अपने जो UI बटन्स हैं वो वर्क कर सके जो नए तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो बीटा का अपडेट आया था वो 1.36 GB था जो स्टार्टिंग में अपडेट आया था, तो उसमें जो मेनली सारे यहाँ पे जो चेंजेस थे वो आ गए थे एरेंगल 2.0 को मिला के भी। तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का जो अपडेट का साइज होगा 1.0 जो अपडेट होगा उसका आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 से लेकर या फिर 900 MB तक जो डाउनलोड करना पड़ सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्रॉक्स आपको इतना नेट चाहिए होगा इस अपडेट को करने के लिए। बाकी इसके बाद अगर अंदर आप गेम में आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो जो अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हैं जो कि मेरे ख्याल से 855 प्लस है, उसके बाद यहाँ पे 865 प्रोसेसर है तो सिर्फ इन्हीं में सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 135 MB का जो एक अपडेट है डाउनलोड करना पड़ेगा इन गेम में, आपको जो ग्राफिक्स है ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। और इन सब के साथ बाकी में फ्यूचर में यहाँ पे जो मोड्स आएंगे पेलो 2.0 मोड हो गया या फिर जो इन्फेक्शन 2.0 मोड हो गया, तो ये जो मोड्स हैं ये तो आपको वैसे इन गेम ही डाउन करने पड़ेंगे और वैसे इनका साइज भी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये जो मोड्स होंगे ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25 MB अप्रॉक्स कह सकते हो आप होंगे, वैसे है तो मेरे ख्याल से 23 MB में ही। तो ऑलमोस्ट आपको दोनों मोड्स के लिए 50 MB प्लस और चाहिए होगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो अपडेट का साइज है वो आपको ऑलमोस्ट 800 से लेके 900 MB तक पड़ जाएगा। तो ये अपडेट का साइज हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब आखिर जो एंगल 2.0 की स्टोरी यहाँ पे PUBG PC से सिमिलर होगी या नहीं होगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों आपने एक ट्रेलर देखा होगा जो कि यहाँ पे एंगल 2.0 का ऑफिशियल ट्रेलर है और वो ऑफिशियल ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो ट्रेलर देखने के बाद आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि आपको ट्रेलर में यहाँ पे जो PC वर्जन की तरह यहाँ पे कुछ सिमिलर देखने को नहीं मिल रहा। तो इन्होंने यहाँ पे जो ट्रेलर तो लॉन्च कर दिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद ही कुछ ऐड करें। तो ट्रेलर लॉन्च होने से पहले जो ऐड होना था हो चुका है और अब आपको यही ऐसा ही एरेंगल 2.0 गेम में देखने को मिलेगा अपनी। तो इससे क्लियर हो चुका है कि आपको एरेंगल 2.0 में ना तो यहाँ पे कोई स्टैचूज हो गए, ना कोई यहाँ पे डिक्टेटर का स्टैचू हो गया, और ना ही यहाँ पे जो आईज हैं उसके यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, और ना ही यहाँ पे हमारे पूरे एरेंगल में डिक्टेटर के यहाँ पे कुछ पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज और यहाँ पे मिसिंग है जो हमारे मोबाइल वर्जन में, वो है यहाँ पे एक जो आपको प्रिजन जाते थे तो वहां पे प्रिजन में एक सीक्रेट केव थी जो कि लॉक की गई थी, तो वो भी यहाँ पे हमें मोबाइल वर्जन में देखने को नहीं मिली है। PC वर्जन में आपको वो देखने को मिलती है। बाकी आप देख सकते हो एरेंगल 2.0 आपको उस पूरे ट्रेलर में दिख ही गया होगा। तो कुछ ऐसे ही आपको एरेंगल 2.0 यहाँ पे 8 सितंबर को देखने को मिलने वाला है और इसी को आप यहाँ पे खेल पाओगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आखिरकार इन्होंने यहाँ पे जो एरेंगल 2.0 की स्टोरी को यहाँ पे PC वर्जन से कॉपी नहीं किया, तो मेरे ख्याल से बस रीजन यही हो सकता है कि जो मेन रीजन होगा वो होगा हमारा अपडेट का साइज, क्योंकि यहाँ पे काफी सब कुछ इनको इंक्लूड करना पड़ेगा और उससे जो अपडेट साइज है वो थोड़ा और बड़ा हो सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे उस सबको डालने के बाद भी यहाँ पे इनको यहाँ पे जो बाकी सारे डिवाइसेस में सपोर्ट करने के लिए कोई दिक्कत आ सकती है। तो मेन रीजन यही हो सकता है कि इन्होंने जो PC वर्जन के एरेंगल 2.0 की स्टोरी को कॉपी नहीं किया, वो होगा हमारा अपडेट साइज। तो काफी बड़ा अपडेट हो सकता था अगर यहाँ पे कॉपी करते उसे, क्योंकि बाकी के जो स्टैचूज वो भी इनको डालने पड़ते हैं और जो बाकी कुछ और फाइल्स हैं, तो वैसे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपडेट साइज हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो इनके लिए, जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने जो स्टैचूज एंड डिक्टेटर के आईज होगी बाकी पोस्टर्स होंगे तो ये सब डाला नहीं है इन्होंने। तो बाकी यही मुझे रीजन लगता है। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको और क्या रीजन लगता है कि इन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं डाला है जो एरेंगल 2.0 की स्टोरी को कॉपी इन्होंने क्यों नहीं किया PC वर्जन से। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय।